गुड इवनिंग क्लास। व्हाट इज द डेट टुडे? हिंदी में आज की डेट मुझे कौन बताएगा? बुधवार। मैम बुधवार। यस। आगे क्या है? 23 अगस्त 2023। 23 अगस्त 2023। चलो राइट डाउन डेट। डेट लिखो अपनी कॉपीज में। और उसके बाद आप हेडिंग डालोगे सर्वनाम। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी सर्वनाम होते क्या है। सर्वनाम हम किसे कहते हैं? ठीक चलो डन टिल हियर। अब आप लोग देखेंगे कि सर्वनाम क्या होता है। सर्वनाम का मतलब होता है जो सबसे पहले लगते हैं। सर्व का मतलब होता है सबसे पहले। सर्व का क्या मतलब होता है? सबसे पहले। और नाम का क्या मतलब होता है? नाम मतलब नाम से भी पहले जो शब्द आते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम, नाम से सर्व, नाम के सर्व, सर्वनाम, नाम से पहले जो शब्द आते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। और नाम वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। तो मतलब संज्ञा की जगह संज्ञा को हटा के सर्वनाम आ जाता है। नाउन को हटा के प्रोनाउन आ जाता है, संज्ञा को हटा के सर्वनाम आ जाता है, नाम वाले शब्दों को हटा के सर्वनाम आता है। ठीक है, तो देखते हैं कि सर्वनाम की परिभाषा क्या कह रही है। सबको यहां तक समझ आ गया? ओके। जो शब्द संज्ञा शब्द की जगह बोले जाते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, ये भी वही बता रहा है कि जो शब्द संज्ञा शब्द की जगह बोले जाते हैं वो शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, तो जो संज्ञा है वो क्या होती है? संज्ञा है राम खा रहा है, मतलब राम खा रहा है। तो हमें इसमें संज्ञा को हटा के सर्वनाम करना है, तो हम राम को हटा के क्या कर देंगे? वह खा रहा है। राम की जगह वह आ गया, संज्ञा की जगह सर्वनाम आ गया। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए नो मैम। कोई प्रॉब्लम?
आप अगर आपको कॉपी करना है आप मैम। डेफिनेशन कॉपी कर सकते हैं, अगर आपको कॉपी करना है आप सिर्फ डेफिनेशन कॉपी कर लो। चलो, और सर्वनाम होते कौन कौन से हैं, यहां तक आपका कंप्लीट हो गया? बोर्ड रख कर तू नो मैम। यस चलो मैम। जल्दी कर बेटा, 1 मोर मिनट, 1 मोर मिनट आई एम गिविंग। बताऊंगी वो सर्वनाम कौन से शब्द होते हैं जो संज्ञा की जगह पे लग जाते हैं, ठीक है? अब मैं आपको वो शब्द बताती हूँ, जैसे कि वह है, मैं, तेरा तुम, ठीक है, तुमके बाद तुमने, ये वाले वो शब्द होते हैं जो संज्ञा की जगह पे लग जाते हैं, सर्वनाम। लगता यस है। नो योर विश, इफ यू वांट टू राइट इट्स अप टू यू। तो ये वाले वो शब्द होते हैं जो संज्ञा की जगह पे लगते हैं, और ये मेन 11 है जो इनकी नंबर काउंटिंग होती है, वो मेन 1 1 11, ये 11 शब्द है, ठीक है? वैसे तो सर्वनाम बहुत सारे हैं, मेन 11 है, ठीक है? तो अगर आपको लिखना है, आई एम गिविंग यू 1 मिनट, आप ये लिख सकते हैं। फिर उसके बाद सर्वनाम के अलग अलग प्रकार हैं, सर्वनाम अलग अलग प्रकार का होता है। कितने मैं उसने मैम मैम ओके, आगे बढ़े। मैम। अब आपको पता है कि ये जो सर्वनाम होते हैं ये किन किन प्रकार के होते हैं, आपको इनके प्रकार पता है? आपको पता है सर्वनाम जो कितने प्रकार के होते हैं? नाम से पहले आते आपको पता है पुरुषवाचक सर्वनाम हम किसे कहते हैं? कोई मुझे बता पाएगा? कोई मुझे बता सकता है पुरुषवाचक सर्वनाम हम किसे कहते हैं? ये पहला प्रकार का सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम। आपको पता है बेटा पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? कौन बताएगा? नहीं किसी को नहीं पता। पता? यस और नो बेटा, चलो अब मैं आपको बताती हूँ पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है।
बाहर में खा लूंगा रख से। जो सर्वनाम हमें बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में हम बात करते हैं, हमें उसका पता लगता है, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसे कहते हैं हम पुरुषवाचक सर्वनाम? जब हमें पता लगता है बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए और जिसके बारे में बात होती है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम हम किसे कहेंगे? जब हमें बोलने वाले का पता हो कि ये बात कर रहा है, सुनने वाले का पता हो कि जो बोल रहा है ये सुन रहा है, और किसके बारे में इन ये दोनों बात कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। मतलब बोलने वाला जिसको सुना रहा है और किसके बारे में बात हो रही है, इन तीन के बारे में जब हमें पता लग जाएगा तो हम उसे क्या कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। यहां तक आ गया समझ बेटा? यस मैम, यस यस नो, कुछ तो बोल लो। यस और नो ही बोल लो, कुछ तो बोल लो बेटा। नहीं आया मैम समझ? मैम आ गया समझ? मुझे कैसे पता लगेगा आपको समझ आया है कि गया नहीं समझ, आया? यस मैम। चलो अब मैं आपको कुछ उदाहरण बताऊंगी, बोलूंगी, लिखूंगी, आप इसमें से मुझे बताओगे कि सर्वनाम क्या है। आप इसमें सर्वनाम छांटोगे, ठीक है? आप इसमें सर्वनाम को छांटोगे। मैं लिखना पसंद करती हूँ, मैं लिखना पसंद करती हूँ। चलो बेटा इसमें मुझे बताओ सर्वनाम क्या है। मम्मा वेरी गुड, ये किसने बताया आंसर? इसके ऊपर हम निर्भर कर देते हैं। मैं, इसमें सर्वनाम है मैं, ठीक है? जैसे कि मैंने आपको बताया था मैं, वो, उसने, वह, ये सारे क्या होते हैं? ये सारे सर्वनाम, ठीक है? चलो अब दूसरा, मुझे मुझे संगीत बहुत पसंद है। चलिए बेटा बताइए मुझे क्या है इसमें? उसे मैं मुझे मुझे इसमें मैं मुझे 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 संगीत बहुत पसंद है। वेरी गुड। तीसरे वाले में देखते हैं, वह कल बाजार जाएगी, वह कल बाजार जाएगी। वह, सरनाम क्या है? मैं सरनाम पे गोला बना रही हूं, ठीक है? सरनाम क्या है इसमें? वह है। वेरी नाइस, बहुत अच्छे बेटा। दो और करेंगे, ठीक है? अब इस वाले को ध्यान से पढ़ना। उसने मुझे फोन क्या था? उसने मुझे फोन किया था। अब इसे सरनाम छाटो। मैं, उसने और मुझे भी, उसने और मुझे, ये दोनों क्या है? सर्वनाम, ठीक है बेटा?
चलो नेक्स्ट करते हैं, मेरे पास एक किताब है, मेरे पास एक किताब है, मेरे। वेरी नाइस। अब आप बोर्ड को देखो और मुझे बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम? नो मैम, नो मैम, नो प्रॉब्लम के लिया। Shall I rub the board? Yes, ma'am. No, ma'am. Yes, ma'am. नहीं बेटा आपको लिखना नहीं है, यू डोंट नीड टू राइट इट। आप लिखोगे नहीं, ठीक है, बस आपको इसको मेरे को बताना है, इसमें सरनाम छाटने हैं ताकि मुझे ये पता लग जाए कि आपको ये पता है कि सरनाम होता क्या है। चलो दूसरा है, अब है दूसरा है, हम कल मेले जाएंगे, हम कल मेले जाएंगे। वेरी गुड, डोंट गेट एक्साइटेड व्हेन यू नो द आंसर बेटा। हम कल मेले जाएंगे, इसमें क्या है? हम। चलो दूसरा है, अब ये इसमें प्रश्न आ गया, तुम कौन हो? मैम तुम मैम तुम क्या है? सर्वनाम। इसके बाद मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी, ठीक है? ये है यहाँ, मैम यहाँ, बरसात, मैम कंप्लीट द सेंटेंस, यहाँ बरसात हो मैम यहाँ, मैम यहाँ, मैम यहाँ, मैम यहाँ, मैम यहाँ, मैम यहाँ। यहाँ बरसात हो रही है, ठीक है। वहां जाना मना है, वहां जाना मना है। वेरी गुड। और अब दूसरा क्लास, बेटा कौन है ये, हु इज दिस? और बिल्कुल लास्ट है, वह खेल रहा है, खेल रहा है, तो क्या है वह? वेरी नाइस। यहां तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, गुड। चलो संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होने वाले शब्दों, वो शब्द संज्ञा की जगह आते हैं, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। बहुत इजी शब्दों में, सरल शब्दों में, सर्व का मतलब होता है सबसे पहले, और नाम क्या होते हैं, जहाँ संज्ञा आती है, तो नाम से पहले जो शब्द आते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कौन कौन से शब्द होते हैं? मैं, तू, वह, आप, कोई, ये, वह, हम, तुम, कुछ, क्या, जो, सो, उसका, ये सब मैंने आपको अभी कराए। तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कौन हो,
मैं कल मेले जाऊंगी, तू खाना खा ले, तो ये सारे जो शब्द होते हैं इसमें सबसे पहले क्या आता है? सर्वनाम आता है। ठीक है, ना तो कोई प्रॉब्लम? यस और नो? नो मैम। तो ये एक उदाहरण है सरनाम का। सीता कल गांव जा रही है, सीता ने अपना सारा सामान बांध दिया, सीता अपनी बड़ी बहन के साथ जाएगी, सीता ने गांव के बारे में बहुत कुछ सुना है। अब मेरे को एक बात बताओ, बार बार क्या नाम आ रहा है यहाँ पे संज्ञा में? सीता 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 आ गया चार बार सीता। हमें इसको क्या करना है? इसको सर्वनाम में बदलना है। तो सबसे पहले हम किस शब्द को काटेंगे इसमें से? सीता को, सीता को हम हटा देंगे। एक बार हम सीता लाएंगे, उसके बाद संज्ञा की जगह सर्वनाम आएगा, सीता हट जाएगी। सीता कल गांव जा रही है, वह कल गांव जा रही है, सीता ने अपने सारा सामान बांध लिया है, उसने अपना सारा सामान बांध दिया है, सीता अपनी बड़ी बहन के घर जा रही है, वो अपनी बड़ी बहन के घर जा रही है, सीता ने गांव के बारे में बहुत कुछ सुना है, उसने गांव के बारे में बहुत कुछ सुना है। ठीक है, एनी प्रॉब्लम क्लियर? चलो, सीता कल गांव जा रही है, ये आपको पता है, इसमें संज्ञा आ गई, नाम आ गया। उसके बाद जब आया सीता, अपना सारा सामान बांध लिया है, सीता ने अपना सारा सामान बांध लिया है, तो सीता के आगे क्या लग गया? सीता को हटा के उसने अपना सारा सामान बांध लिया है, वो अपनी बड़ी बहन के साथ जाएगी। सीता अपनी बड़ी बहन के साथ नहीं जाएगी, सीता हट गया, सरनाम आ गया। वो सीता माँ के बारे में बहुत, सीता ने माँ के बारे में बहुत कुछ सुना है, उसने माँ के बारे में बहुत कुछ सुना है। सीता, सीता से हटा के क्या है? उसने। सीता का बहुत मन था गांव जाने का, उसका बहुत मन था। सीता को हटा के क्या है? उसका, मतलब संज्ञा को हटा के क्या आ गया? सर्वनाम। यहां तक कोई प्रॉब्लम?